असलामुअलैकुम, मैं ओहिदाड़ा शहर से बेहतर देहात वाला लड़का विलेज लाइफ स्टाइल के नाल। तो अज आप रूटा वेटर के छुरियां के चेंजिंग के बारे तो दसांगे कि छुरियां तुम्हें लगानिया चाहिए, कि छुरियां नहीं लगानी चाहिए, कि छुरियां चेंज करनिया चाहिए, तो नाले अपना रूटा वेटर के नाल कि एक जुगाड़ किया गया जो सारे किसान भाइयों को करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए उस बारे होएगी वीडियो। तो सारे जने वीडियो मुकम्मल देखोगे, वीडियो इनफॉर्मेटिव होएगी। ओके होगा, छुरियां किस टाइम चेंज करनिया चाहिए? छुरियां यार चेंज करन दा ना एक वक्त होंदा, छुरियां जो बहुत ज़्यादा घास जान उदों चेंज करी दी होंदी, जो घास है कि ना कुतर दी हुण कई वजूहत होंदिया वा, घा नहीं सही कुतर दी, बारीक थोड़ी रह जांदियां वा। तुहानू मैं अपनियां छुरियां दिखाना, आ जा यार छुरी दिखा एक अन्नां नूं, जिदा कि आ छुरी आ, ये छुरी इस टाइम तकरीबन कस चुकी आ, ए देखो जी आ छुरी चेंज होने वाली होगी, आ छुरी ठीक आ, आ भी ठीक आ, आ भी ठीक आ। ओके हो गया, बन गया। हुण तुसीं छुरी देख ली कि कदों चेंज करनी चाहिए आ, और तुहाडा डाउट क्लीयर हो गया। हुण दोस्त पुछणगे कि छुरियां चेंज करन तो बाद छुरियां भाई किहड़ियां डालीए? तुसीं छुरी हुण मैं यार किसी कंपनी का नाम नहीं लवांगा, ठीक है, कोई लोग कहते जी तुसी प्रमोशन कर दे, भाई प्रमोशन आप किसी भी नहीं करते, ठीक हो गया, प्रमोशन करके आप लभना की आ, आप सिर्फ दसी दा कि यार क्वालिटी की चीज़ कौन दे रहा, ठीक है। तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते यार तुसी उनकी गल कर दे, तुसी साडी गल नहीं कर रहे, तो भाई ऐसी कोई गल नहीं होंगी, जिहड़ी चंगी चीज़ बनाती है सौ ही उनकी तारीफ करी दी आ, ठीक है। 800 ग्राम तो उपर फाला तुसी यूज़ करना, अगर 60 कटर तो तुसी ज़्यादा लगाना, ठीक है, 800 ग्राम तो उपर। तो अगर तुम मतलब 60 कटर तो थले लगाने हैं, मतलब 45-40 है, इस भी थोड़े, तो फिर तुम यूज़ करो 700 ग्राम के, 750 ग्राम के, ठीक है। तो जो तुम 60 उपर यूज़ करने हैं, तो हम पूछोगे तो कोई दोस्त पूछेंगे कि यार कौन 800 ग्राम तो उपर फाला दे रहा? भाई उम्र फाला जो 800 ग्राम तो तकरीबन 800 ग्राम के लागे आता, ठीक है, ठीक हो गया। तो इस टाइम जो प्राइस पूछो, भाई प्राइस वक्त के हिसाब न, जो मैं वीडियो अज अपलोड की तो अज की प्राइस होर होएगी, जो दो तीन दिन ठहर के अपलोड की तो फिर होर चेंज हो जाएगी। इसलिए तुहानू चाहिए, तुहानू मैं दसता उमैर उम्र तो उमैर च थोड़ा जहा फर्क है, उमैर जरा वा उनकी थोड़ी कीमत घट आ, उम्र की कीमत ज़्यादा वा। तो कुछ लोग जिहड़े आम किसान होंदे भाई होंदे, उन्होंने ना उमर उमैर की जगह तो उमर बेच देंगे, उमर की जगह तो ना उमैर नूं कह के ना वह बेच देंगे, तो उनकी कीमत ज़्यादा होंदी, इस वजह तो जो दुकानदार विचों घपला कर जांदा। आ गल तो तुसीं नोट करने, ठीक है। तो अगर तुसीं 700 ग्राम, एक होर चीज़ मैं तुहानूं नोट करवाना चाहवां, अगर तुसीं लगा रहे जे कि 700 ग्राम के फाले अद्धे 700 ग्राम के लगा दो, अद्धे 800 ग्राम के, तो भाई की होएगा? भाई अद्धे 800 ग्राम अद्धे 700 ग्राम के लगाओगे तो तुहाडी जिहड़ी बोणी आ, मतलब जिहड़ा विच पैप हुंदा, छोटे पैप दिखाई नीचे, जिहड़ा आ जिहड़ा पैप हुंदा ना, ये विंगा हुंदा, खतरा हुंदा छोटे, तो सही तरीके दिखाता बिल्कुल। ओके हो गया, तो आ ना बोणी जिहड़ी हुंदी है, इहनूं बोणी भी कहिंदे आ, कोई पैप कहिंदा वा, कोई कुछ कहिंदा वा, ठीक है। इहदा ना विंगा हुंदा, खतरा हुंदा, तिलक मारन लग पैंदा। एक दोस्त आ उहनां दा ना इस तरीके नाल मसला बन गया वा, वो अगे बैठा हुआ से, उन्हें तुम गल करवा देंगे किस दिन। तो उन्हें भी मतलब ना अद्धे नवे लाते, अद्धे पुराने ला के ना, तो पहली वाहन वाली से पहली वाहन चले गया, कहिंदा बाकी फिर बदल लाँगे, वो कहते पहली वाहन गया क्योंकि अद्धे नवे से अद्धे पुराने से, और एक साइड ज़्यादा जोर लेंदी, एक ज़्यादा घट लेंदी सी, तो उनकी वजह तो ना उनकी बोणी महंगी हो गई। हुण बोणी महंगी होना की होया जी, उन्हें ट्रैक्टर जो चलता ना उदो ए खड़का करता, ठीक है। तो आह चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना वा, जो चेंज करने तो सारी चेंज करने, जो नहीं चेंज करने तो कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो दो दिन का वक्फा पा लो, नुकसान बहुत ज़्यादा, चीज़ा बहुत महंगी, ठीक है। तो एक होर चीज़ यार, रूटावेटर किहड़ा इस्तेमाल किया जाए, ठीक। रूटावेटर यार कोई भी इस्तेमाल कर लो, किसी कंपनी का लै लो, पर चैन की जगह पर तुम गरारियाँ यूज़ करो, गरारियाँ बेहतरीन रहिंदियां वा, के चैन की निस्बत गरारियाँ ज़्यादा बेहतर रहिंदियां, ठीक है, क्योंकि जोर भी ज़्यादा लगता चैन की निस्बत गरारियाँ के नाल। हुण तुसीं लोडर रिक्शे वेखे होणगे जिहड़े आ प्राइवेट रोड प्रिंस ते कोई होर होर नामां तो आए आ, तेज़ रफ्तार ते कुछ इदां दे नामां तो भी आए है ना,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੈਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਕੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਵਾ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ। ਆਹ ਨਾ ਚਾਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ, ਚਾਰ ਹੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਾਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਫਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਲਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆ ਪੱਤਰੀ ਕਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਵਾਦੀ ਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਵਰਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਡੈਸ਼ ਉਹ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ।